जी तो इस वक्त मैं store.epicsgames.com पर आ चुका हूँ। जी आपने गूगल पे सिंपल राइट करना है एपिक्स गेम्स और आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे देखें स्टार्ट में ही आपको गेम्स ऑन सेल्स पे लगी हुई हैं ये कुछ गेम्स जो कि आपको 20% 60% 66% और 40% इस तरह से ऑफ मिल रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे भी काफी ज्यादा गेम्स आपको मिल जाएंगे। इसी के नीचे आप थोड़ा सा हो रहा है तो यहाँ पे जो है ना फ्री गेम्स का ऑप्शन है, तो ये बहुत ज्यादा कमाल का है। यहाँ पे आप देखिए ना कि आपको फ्री गेम्स किस टाइप के मिल रहे हैं, ठीक है। अब भी यहाँ पे देखें पबजी जो कि आप लोगों का सबसे ज्यादा फेवरेट गेम है, आप कंप्यूटर पर खेलना चाहते हो तो फ्री में खेल सकते हो, ठीक है। डिनेस्ट्री 2 बहुत अच्छा गेम है, इस गेम को भी आप खेल सकते हो। फॉल गाइज और इस तरह से जैसे कि रैकेट्स लेजेंड्स और ये भी काफी अच्छा है। और फोर्टनाइट तो यार आप सबका फेवरेट होगा। और इसी तरह से रोजो कंपनी हो गया, और इसी तरह से आप देखते जाएं तो आपको हर तरह से आप लोगों के जो पॉपुलर गेम हैं, जो फेवरेट गेम्स हैं और जो बहुत ज्यादा खेले जाते हैं, जैसे कि यार मेरा भी ये थोड़ा सा फेवरेट है ये हीरोज एंड जर्नल्स वर्ल्ड वॉर 2 WW2, और ये बहुत ज्यादा कमाल का गेम है, ठीक है। ठीक है, ऐसे में ये सारे फ्री टू प्ले गेम्स, लेकिन एक फीचर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आ गया है। वो हम कंप्लीट पेज सेटअप करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि आपको ऑफिशियली कोई गेम खरीदनी है तो किस तरह से खरीदनी है, ठीक है, फ्री में, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ से आगे आपको साइन इन का भी ऑप्शन आ रहा है, आपने यहीं से साइन इन कर लेनी है। क्योंकि ब्राउजर में अगर आप साइन इन करेंगे अपने ब्राउजर, उस ब्राउजर में जहां पे आपने अपना जीमेल लॉग इन किया होगा, तो ये काफी ज्यादा आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। बानिस्बत आप एप्लीकेशन पे जाके साइन अप करेंगे और उसके बाद ये सब कुछ करेंगे तो मुश्किल होता है थोड़ा। साइन इन पर क्लिक करिए, ठीक है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद अच्छा हमारे पास अभी कोई अकाउंट नहीं है तो मैं साइन अप पर मैंने क्लिक कर दिया था। अच्छा अब तो ये बात समझ लीजिए कि यहाँ पर एपिक स्टोर विद ईमेल है और यहाँ फेसबुक, इसके बाद ये सारे एक्सबॉक्स प्लेस्टेशन नेटो स्विच स्टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं से भी आप कर सकते हो। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा यार अपनी जीमेल के साथ ही करिए, ठीक है। यहाँ पे या तो फर्स्ट वन कर लीजिए साइन अप विद ईमेल, ठीक है। हम ईमेल से साइन अप करते हैं, एपिक्स का खुद का स्टोर है। यहाँ पे वो कह रहा है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करो, तो यहाँ से हम कर देते हैं यार कुछ भी कर देते हैं। लो मैंने अपनी ही कर दी, ओके कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ से आपने अपनी अगर आप इंडिया से हैं तो आपने अपने हिसाब से इस फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना नाम देना है, जैसा कि आपने ऑफिशियली अपना जो नाम है वो दे देना है, जैसा कि मेरा अहमद रजाक हो गया और पाकिस्तान हो गया। डिस्प्ले नेम, अच्छा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हर बंदे का ना, हर एक गेमर का एक कोड होता है, ठीक है ना। जैसे मैं सॉल्ट गेमर हूँ तो यहाँ पे मैं सॉल्ट गेमर लिख लेता हूँ, अगर आप कुछ भी हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हम सॉल्ट गेमर लिख लेते, ठीक है। डिस्प्ले नेम ये आ गया। अब यहाँ से वो मांग रहा है ईमेल, तो भैया ये मैंने ईमेल देनी है और पासवर्ड मैंने आप लोगों को नहीं बताना, मैं अपना खुद लगा लूंगा जो मुझे लगाना होगा, ठीक है ना। तो आपने अपना पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। ये जीमेल वाला पासवर्ड भी लगा सकते हैं इसमें, लेकिन आप खुद का भी बना सकते हो। लेकिन यहाँ से आपने एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझनी है, जो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। आपने एक लफ्ज़ अपना कैपिटल लिखना है और एक लफ्ज़ अपना करेक्टर में लिखना है, और बाकी आप उसमें नंबर भी ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद अपने छोटी ABC है, ठीक है ना। छोटी ABC का पता है ना, स्मॉल कैपिटल लेटर्स में आपने ये सब कुछ लिखना है, ठीक है। मैं काफ़ी डिटेल से अपने भाइयों को समझा रहा हूँ ताकि उनको समझ भी लग जाए, ठीक है जी। हम अपना पासवर्ड बना देते हैं, तो मैंने अपना पासवर्ड बना लिया और यहाँ पे दोनों पे हमने टिक कर देना है। देखिए यहाँ पे ना ये जो पहला टिक है, ये थोड़ा गौर से सुन लीजिएगा, यहाँ पे जो भी स्पेशल ऑफर्स आती है या फ्री गेम्स आएंगी, कुछ भी आएगा ना, तो उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी, तो ये ऑप्शन आपने ज़रूर टिक कर लेना है। कंटिन्यू करते हैं, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई भैया, यहाँ पे आगे तो मेन चीज़ स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे कोड आया तो आपकी जीमेल पे ये कोड जाएगा, तो आपने सिंपली एक नई टैब ओपन करनी है, अपनी जीमेल पे जाना है और यहाँ से अपने एपिक स्टोर को वेरीफाई कर लेना है, ठीक है जी। हमने यहाँ से कॉपी किया और जाके कंट्रोल वी करते हैं और ये वेरीफाई हो गया, और वेरीफाई पे क्लिक कर दिया हमने, सिंपल था। लो अब अपना अकाउंट तो बन गया, ठीक। अब यहाँ से हमने क्या करना है, अब यहाँ से हम गेम्स को डाउनलोड नहीं कर सकते, अब हमने डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए सॉल्ट गेमर के नाम से हमने अपना अकाउंट बना लिया, साइन अप कर लिया,
डाउनलोड पे क्लिक करो और ये एप्लीकेशन डाउनलोड होने देते हैं। अच्छा, आपके भाई का एक फ्रीलांसिंग चैनल भी है, अगर आप फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हैं तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और उसकी वीडियोस भी वॉच करें। वीडियो एडिटिंग, उसके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह वगैरह की वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें यार, कम आपके लिए वीडियोस बनाता हूं, तो प्लीज़ आपने ही तो सब्सक्राइब करना है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फाइनली हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो सिंपल मैंने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, समझिएगा बात को। लेकिन थोड़ा सा आगे स्टेप एक दो मुश्किल है, वो कंप्लीट हो गया तो फिर सब कुछ ठीक होगा। यहाँ पे वो वेरीफाई कर रहा है डायरेक्टएक्स वर्जन आपका, ठीक है ना, डायरेक्टएक्स वर्जन 11 इंस्टॉल होना चाहिए और ये खुद भी कर देगा वैसे तो, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो। इंटरनेट कनेक्शन के अलावा तो वैसे भी नहीं चलने वाला, तो ठीक है, समझ सकता हूँ। तो ये वेरीफाई वगैरह अपडेट कर रहा है सब कुछ, ठीक है ना, इसको होने दीजिएगा। ये अब यहाँ पे कुछ इसकी अपनी अपडेट्स हैं जो इसको कंप्लीट करनी है, ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ये हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हमारी डाउनलोडिंग और अपडेटिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, सब कुछ सेटअप हो चुका है। अब हमने यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन करना है, ठीक है ना, हमने अपने अकाउंट बना लिया था, याद है ना आपको, तो बस जस्ट हमने इसको लॉगिन करना है। तो वही ऑप्शन जैसा कि हमने एपिक्स वाले ऑप्शन को यूज़ किया तो इधर भी एपिक्स वाले को ही यूज़ करेंगे। और यहाँ से आप देखें, सिंपल था, वहाँ से हमने बना लिया अकाउंट, बनाने के बाद वो बहुत इजीली हमने बना लिया था। और उसके बाद यहाँ पे जो जीमेल है वो लगाना है, जो पासवर्ड बनाया था हमने वो लगाना है, तो सिंपल है, मैं लगा देता हूँ। तो अब मैं लॉगिन पर सिंपल क्लिक कर दूंगा, रिमेंबर मी पर आपने क्लिक ज़रूर रखना है ताकि दोबारा आप अपने अकाउंट को लॉगिन करें तो वो आपसे पासवर्ड, ईमेल वगैरह ना कुछ मांगे। देखें, प्रिपेयरिंग द एपिक्स गेम्स लॉन्चर, ठीक है, सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था। और ये हमने अपना स्टोर ओपन कर लिया है कि गेमिंग स्टोर, ठीक है ना, यहाँ से हमने गेम्स डाउनलोड करनी है। अब थोड़ा सा मैं अपने भाइयों को यहाँ से ओवरव्यू बताऊँगा कि आपने गेम्स को किस तरह से ढूंढना है, ठीक है, और कौन सी गेम्स आपको कहाँ कहाँ डिस्काउंट्स में मिलेंगी और क्या कुछ होगा, ठीक। प्लीज़ थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा आपको गेम्स कहाँ से मिलेंगी। आप देखें यहाँ पे ये स्टोर है, तो यहाँ पे जितने भी फ्री गेम्स हैं, या देखें यहाँ पे टॉप सेलिंग गेम्स हैं, मोस्ट प्लेड गेम्स हैं, टॉप अपकमिंग विशेज हैं, यानी कि जो लोगों ने विशेज़ किए हैं कि इन गेम्स के बारे में बताया जाए, तो ये है यार, देखिए असैसिन क्रिएट का है, द लास्ट ऑफ अस, ये बहुत कमाल के पार्ट्स हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी तरह से फ्री गेम्स देखें ना, तो ये पहली चार पांच गेम्स, सॉरी, इसी तरह से मोस्ट प्लेड गेम देखें तो फोर्टनाइट फ्री गेम है, यहाँ से बहुत ज़्यादा खेला जाता है। रॉकेट लेजेंड्स, ये भी काफ़ी कमाल का गेम है, और GTA के बारे में तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पे नीचे वाले भी दो फ्री गेम्स हैं, यानी कि ये पॉपुलर गेम्स हैं, इन गेम्स को फ्री टू प्ले खेल सकते हो, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा मैजिक दिखाने लगा हूँ, और यहाँ पे देखिए मेरी लाइब्रेरी में, अच्छा आई एम रियली सॉरी यार कि मेरा वो दूसरा अकाउंट है जहाँ पे मैंने GTA 5 जैसे बड़े बड़े 10-15 गेम्स लेके रखे हुए हैं इसी तरीके से। और प्लीज़ यार, मतलब पूरा ना मनाइएगा, ये सारा अकाउंट मैंने आप लोगों के लिए सेटअप किया था मेरी दूसरी जीमेल पर, जो ऑफिशियल जो मेरा अकाउंट है वो है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम एक गेम को डाउनलोड करते, जैसे कि मुझे फोर्टनाइट ख़रीदना है, ठीक है ना, यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोडक्ट ख़रीदना पड़ता है, उसके बाद उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पे गेट पर ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है, यहाँ पे टिक करके आपने एक्सेप्ट कर लेना है। देखें लोडिंग योर ऑर्डर, ठीक है ना, यहाँ से आप, यहाँ पे आपको कोई कार्ड वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो फ्री में होगा वो आपको बिल्कुल फ्री में ही मिलेगा, और आपने प्लेस ऑर्डर कर देना, सिंपल सा काम था। लो, आपकी गेम ऑर्डर हो चुकी है, अब जब आप चाहें इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। ये गेम आपके पास आ गया है, और अभी मुझे नहीं इंस्टॉल करनी, सॉरी।
और यहाँ पे ऐड। अच्छा याद रहे जो भी पॉपुलर गेम्स हैं उनको प्लीज आप इस तरह से ना ऐड करके रख लें अपने पास, हो सकता है इन फ्यूचर जाके ये गेम्स पेड हो जाए या कुछ भी हो, तो यार फिर तो इशू बनेगा ना, मतलब कैसे खेलेंगे गेम्स और ये सब कुछ। तो जो मौका मिलता है आपने उनको इंस्टॉल कर लेना, मतलब खरीद कर रख लेना, इंस्टॉल नहीं होती, इनको खरीद कर आप रख लें, ठीक है। एक चीज लास्ट बात, उसके बाद वीडियो एंड, यहाँ पे ना आपको हर वीक एक कमाल की गेम मिलती है और ये वो बहुत ज़्यादा कमाल की गेम होती है, ऑफिशियली आपको मिलती है, उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। इस वक्त देखें ये वाली गेम फ्री टू प्ले है और इसको आप खरीद ले, सिंपल है, खरीदना किस तरह से मैंने बता दिया है। तो बस इतना सा काम था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।